2 km kind of altitude that will be attained at the time the satellite is going to be separated. So we are at 145 km now, and the velocity is almost 8.1. We expect roughly around, Alok, roughly around 1,000 seconds. Yeah. The cryogenic stage to shut off, so we are nearly almost 870. जी हाँ, तो इसके लिए मैं, हाँ जी हाँ, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा दर्शकों की कि इसमें जो 1982 kg भारी GSAT-14 उपग्रह है, उसका जो ड्राई मास है, शुष्क भार है, वो करीब 851 किलोग्राम है। उसमें I2K स्पेस क्राफ्ट बस पर आधारित इस उपग्रह में अनेक प्रत्याभारों के स्थान दिया गया है। छह विस्तारित सी बैंड हैं तथा छह यूके बैंड ट्रांसपॉन्डर लगाए गए हैं। इसके साथ ही दो का बैंड बीकन्स हैं, थर्मल कंट्रोल कोटिंग एक्सपेरिमेंट है, फाइबर ऑप्टिक गायरो है, एक्टिव पिक्सल सन सेंसर पर आधारित डिजिटल सन सेंसर है, FPGA पर आधारित अर्थ सेंसर है एंड एरोथर्मल फ्लक्स सेंसर जैसे अनेक उपकरण लगाए गए हैं। कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 2600 वाट होगी इस उपग्रह की। इस उपग्रह को 180 by 36,000 किलोमीटर की दीर्घवृत्ति कक्षा, जो विषुवत रेखा से लगभग 19.32 डिग्री पर झुकी हुई होगी, में प्रक्षेपित किया जाना है, जिसके बाद इसे 36,000 किलोमीटर की वृत्ति कक्षा में 74 डिग्री पूर्व देशांश पर निर्धारित कर दिया जाएगा। इस समय हम लगभग 935 सेकेंड का समय व्यतीत कर चुके हैं, लगभग 8.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं। अपेक्षित मान बहुत ही सफलतम निष्पादन की गारंटी है। इस समय परास जो है वो 4,790 किलोमीटर हो चुका है और 175 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंच चुकी है, और हमें उम्मीद है जो अगला क्षण जो महत्वपूर्ण है वो है क्रायोजेनिक अपर स्टेज के शटअप को, जो 10.1012.86 सेकेंड में आने वाला है। So that the time is now 963 seconds and we are seeing on our screen the vehicle has almost reached a perigee of 162 kilometers with an apogee of 18,000 now to be very precise, 165 by 19,000, and it has almost reached a precise inclination of 19.3. As you may be aware, this particular mission was the planar mission without any yaw maneuver. It's for a particular launch azimuth, it's going to attain an inclination of 19.3 degrees. So continuously the apogee is increasing now. We are just coming very close, almost 20 seconds close to the shutoff. So I can see on my screen we have reached almost 175 kilometer perigee and just touching 30,000 kilometer apogee. तो हम लोग बहुत ही करीब हैं, करीब करीब 10.08 सेकंड समय हो चुका है, 10.12 पे। शट ऑफ कमांड इज इश्यूड एंड 180 बाय 36,000 किलोमीटर एग्जैक्टली एस प्रेडिक्टेड। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, क्रायोजेनिक अपर स्टेज को बंद कर दिया गया है। हम लोग 10.24 सैटेलाइट को, उपग्रह को भी अलग कर दिया गया है, प्रथम सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है, और इस समय सारे वैज्ञानिक एक दूसरे से अपनी खुशियां बांट रहे हैं। ये दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए, ये क्षण क्रायोजेनिक अपर स्टेज का इस तरह से जुड़ाव। And the orbit that I am seeing on my screen is 180 by 36,000 kilometer with 19.3 very precisely as planned. And this event I would like to mention to the viewers is a very landmark achievement for the country, making India self-reliant in this complex cryogenic propulsion technology that has so far been the fold of only few nations. And with this wonderful feeling of success and very proud moments for the entire ISRO community, myself Radhakrishnan and my colleague Mr. Alok, we are signing off. We wait for the 14 both panels deployed for Dr. K. Radhakrishnan, Chairman ISRO, very shortly addressing the. बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारे प्रसारण तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम अपने साथी राधाकृष्ण जी के साथ इस समय आपको वापस एमसीसी लिए चलते हैं, जहाँ पे जो चेयरमैन है वो आपको संबोधित करेंगे, और सीधे हम आपको इसी क्षण के सेलिब्रेशन के लिए, इसी उत्साह के लिए हम आपसे सीधे चलना चाहते हैं एमसीसी के उस स्थान पे जहाँ से चेयरमैन आपको एड्रेस करेंगे। नमस्ते। I'm extremely happy and proud to say that the team ISRO has done it. The Indian cryogenic engine and stage performs as predicted, as expected for this mission, and injected precisely the GSAT-14
communication satellites into the intended orbits. This was another major achievement for the GSLV program. And I would say this is an important day for science and technology in the country, for space technology in the country. 20 years of efforts in realizing the cryogenic engine and stage has now been fructified. Toiling of 20 years, excruciating efforts of the last 3.5 years after we had the first test flight of this cryogenic engine and stage, and all the efforts put by the team ISRO over the last few years in understanding GSLV to make it a reliable vehicle, to understand the cryogenic engine and technology, to master it and bring it to this level, and also to restore the vehicle after that leak that made us to call off the launch at the last minute. And this shows the maturity of the team and the leadership given to the team over decades. I salute all of them, especially Professor U.R. Rao, who had the grit to decide in the year 1992 that we are going to have the indigenous development of the cryogenic engine and stage for the GSLV program, and his illustrious successors. All the directors of the launch vehicle centers, especially Liquid Propulsion Systems Center, that developed this cryogenic engine and stage, and the Vikram Sarabhai Space Center that had the responsibility for realizing a reliable GSLV vehicle. And today, the team ISRO, the project directors, all have put their heart and soul in making this proud moment for the country. And we feel we have repaid all our debts to this country. I would request Mr. Ramakrishnan, director of the Vikram Sarabhai Space Center, and the former director of Liquid Propulsion Systems Center, who took charge of that responsibility after the unsuccessful first flight test of the cryogenic engine and stage, to say a few words and put the things in perspective. Friends, it's indeed a memorable day for entire ISRO community, and more so for the